सिकरहना पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीएसपी संचालक के लूट का पर्दाफाश करते हुए दो अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। आपको बता दें कि बीते 14 अगस्त को घोड़ासन थाना क्षेत्र के बलान चौक के समीप से बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों द्वारा कुंडवा चैन बाजार के पीएनबी के समीप सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस इन अपराधियों की तलाश में थी, जिसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर घोड़ासहन पुलिस ने मोतिहारी शहर के छतौनी चौक से लूटकांड के मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी रामबाबू और चंदन कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में बलान चौक कोई 300-400 मीटर पूर्व में सीएसपी पीएनबी में संचालक है प्रदीप कुमार, उनसे 3,15,000 रुपये की लूट हुई। इसके संबंध में हमने कांड दर्ज किया था। बाकी हम लोग गुप्तचर तैनात करते हुए, आसूचना तंत्र विकसित करते हुए, संदिग्ध लोगों का मोबाइल नंबर वगैरह लेते हुए टावर लोकेशन वगैरह लिए, उससे कुछ नाम आया हम लोगों के सामने। कल रात्रि में कहीं लगभग 11 बजे के आसपास ये जो चेकिंग कर रहे थे भिलवा चौक के पास, वहाँ पर बाइक पर सवार 2 लोग हैं जिनके मिले, उनके चेक किया गया तो कमर से लोडेड पिस्टल और एक गोली बरामद हुआ और ये कुछ अन्य सामान थे। नाम पता पूछा गया, ये नाम जो बताया उसमें एक नाम वही निकला जस्ट हमने पहले जो पूछा, तो संदिग्ध लोग का नाम आ रहा था। तो फिर हमने उनसे पूछताछ किया, उस क्रम में उन्होंने 2 अन्य लोगों को भी संलिप्त होने की बात बताई है। रात्रि में वहाँ भी छापामारी की गई है, वो लोग तो अभी पकड़ में नहीं आए हैं। इनके स्वीकारोक्ति बयान में हमें उन लोगों का नाम मिला है, वो तो हम अभी आपको नहीं ओपन कर सकते हैं। तो बाकी इसमें 2 लोग और संलिप्त हैं और इसमें 2 बाइकर्स थे, मतलब 2 बाइक का प्रयोग किया गया है। एक बाइक भी बरामद हुआ जिस पर ये लोग सवार थे, उस बाइक से भी लाइनर का काम कर रहे थे लोग, और अन्य सामान ये लोग हैं जो कि चोरी करने के बाद उन्होंने अपने कहा है कि सामने हम कुछ मार्केटिंग किए, जैसे नए लूट के बाद घड़ी खरीदे हैं, टी शर्ट खरीदे हैं, अपना जींस पैंट जो पहने हुए थे वो ही इन्होंने 14 तारीख को ही ख़रीदा है, और कुछ पैसे भी आए हैं और बिल वगैरह भी है इनका मार्केटिंग का। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर प्लेट्स कुछ हैं, क्योंकि फर्जी नंबर प्लेट्स हैं, लेकर चलते हैं, ये भी इनके बैग से बरामद किया गया है।